रहमानुर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है मेरे वक्त का। उम्मीद करता हूँ साथ साथ ही खैरियत से होंगे। आज मैं आपको जो मैंने ब्रीड लगाई हुई है, मैं आज आपको वो वैरायटी दिखाता हूँ। उनमें से एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, लवबर्ड मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कौन कौन सी वैरायटी लगाई हुई है और उसके क्या फ़ायदे हैं और कितनी जल्दी वो ब्रीड कर रहे हैं। और अल्लाह के फजल व करम से मैं आपको इसकी अपना पेशन भी बताता हूँ और नाम भी बताता हूँ, ताकि आप लोग आपके लोगों के इलम में इजाफा हो, ताकि आप लोग भी इस बिज़नेस में शामिल हों, आप लोग भी इनको लगाएं और अच्छे से पैसे कमाएं। ये काम आजकल काफ़ी ज़्यादा रूज पर है। लवबर्ड आप ज़्यादा महंगी म्यूटेशन में ना जाएं, आप छोटी म्यूटेशन लगा लें, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो, ताकि आपको कोई भी ये परेशानी ना हो कि हमने 2-2.5 लाख का जोड़ा लगाया है, अब इसको बेचे कहाँ। तो ये बड़ा नॉर्मली है, जैसे मैंने ये चीज़ें लगाई हुई हैं, मैं अक्सर आपसे बात करता रहता हूँ कि मैंने 25-30 साल 32 साल ये चीज़ें सीखी हैं, यही चीज़ें इन्हीं चीज़ों पे काम कर रहा हूँ कि सस्ती से सस्ती चीज़ें लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएं, ताकि कोई भी चीज़ एक्सपायर हो जाती है तो आपको परेशानी ना हो कि मेरा एक बर्ड मर गया यार, वो कम से कम ये तो नहीं है 40,000 का मर गया, यही हो यार 2-4,000 का मर गया, कोई बात नहीं यार ले लेते हैं। तो ये इस तरह की आप छोटी म्यूटेशन लगाएं, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो ये लोगों की बातों के ऊपर आप यकीन कर कर के तो आप ज़्यादा इधर उधर डिसाइड ना हुआ करें। मुझे कमेंट्स आते हैं, मुझे काफ़ी ज़्यादा लोग मेरे को बताते हैं कि यार ये ऐसे है वैसे है तैसे है, छोड़ दे भाई सारी बातें। आप काइंडली मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा छोटी आइटम पे के ऊपर काम करें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी ब्रीड ले सकें और अच्छा बिजनेस कर सकें। मीडियम तबके का लोग है तो आप काइंडली आप उसी हिसाब से चला करें, ज़्यादा बड़ी बड़ी छलांगें ना लगाया करें, आपको परेशानी होगी। आइए मैं आपको लवबर्ड दिखाता हूँ जो मेरे पास लगे हुए हैं, जो मैं इनका शौक कर रहा हूँ, ब्रीड भी ले रहा हूँ। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे लटीनो का पेड़ लगा हुआ है। ये लटीनो का पेड़ माशाल्लाह 5-5 बच्चे आराम से पाल लेता है, 5-5 6-6 बच्चे, और ये बड़ा ही खूबसूरत ब्रीडर पेड़ है। और इसका तरीकाकार आप समझ आ गई होगी, बॉक्स लगाने का जो तरीका है वो ये होना चाहिए जो आपको नज़र आ रहा है। अगर आप इसमें रद्दोबदल करते हैं वो फिर आपका मसला है, मैं उसके ऊपर ज़्यादा तबसरा नहीं कर सकता बार बार। ऊपर इसी तरह मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास वायलेट का जोड़ा लगा हुआ है और बड़ा ही खूबसूरत जोड़ा है, ट्रिपल फैक्टर वायलेट है और नहायत खूबसूरत है। उसकी मास्किंग चेक करें, उसके कलर चेक करें, उसकी आई चेक करें और बड़ा ही खूबसूरत पेड़ है माशाल्लाह, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप इस तरफ आएँ, मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसमें मूंग फिशरी पड़ी हुई है, मूंग फिशरी का पेड़ पड़ा हुआ है, बड़ा ही नायाब है, नहीं मिलता कहीं से भी, बहुत कम मिलता है। तो ये भी मेरे पास जोड़ा लगा हुआ है, ये भी आप चेक करें। यहाँ पे आगे आए मैं आपको दिखाता हूँ, साइबल लगा हुआ है, ये साइबल का जोड़ा भी बड़ा खूबसूरत और बड़ा ही नहायत नायाब भी है, खूबसूरत भी है और माशाल्लाह इसकी ब्रीड बहुत अच्छी है। ये भी 4-4 5-5 बच्चे पालने में महारत हासिल है इसे। तो इसी तरह पर्सनाल्टा मेरे पास लगा हुआ है, पर्सनाल्टा रेड आइज लगा हुआ है, ये भी उसी तरह ही 5-5 6-6 बच्चे पालता है। और इनकी खूबी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन सब बर्ड्स की मैं आपको एक खूबी बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ी बात कि आप इनको कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं, कहीं पे भी। आपके बालकोनी में कहीं जगह है, आपके टेरेस में कोई जगह है, आपके छत पे कोई जगह है, आपके बगीचे में कुछ साइड पे जगह है, कोई गैलरी में। मैंने कभी किसी बर्ड को ये सुने नहीं सुना कि जनाब मुझे आप फलां जगह पे लगाएंगे, इतने बाई इतने के कमरे में लगाएंगे, इतने बाई इतने का आप केज लगाएंगे, इतने बाई इतने का आप बॉक्स लगाएंगे। मैंने किसी बर्ड के हाथ में आज तक इंची टेप नहीं देखी कि जो उसको नाप के और ब्रीड करता हो। तो बराहे करम इस माइंड को आप खुला छोड़ें, इसको रिलैक्स करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा खुद भी तजर्बा किया करें, कहीं पे घर में कोई जगह खाली उसको ना छोड़ें, वहाँ पे 2-4 हज़ार लगा के ब्रीड शुरू करें और अच्छा बिजनेस करें। माशाल्लाह ये जोड़ा रेड हुड उपलाइन है, ये रेड हुड उपलाइन है, इसकी आपको ये लगेगा लटीनो है शायद। तो इसका जो फेस है बिल्कुल देखें, पीछे तक रेड है, बड़ा ही ज़बरदस्त जोड़ा है माशाल्लाह। ये क्या बात है इसके भी बच्चे की, ये माशाल्लाह 6-6 बच्चे पालने वाला जोड़ा। से मैंने जितनी मेहनत इस काम में की है आपको नज़र आएगी। अपनी जिंदगी की नायाब चीज़ें आपको इन बर्ड्स के बारे में बताने वाला हूँ, जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होंगी। तो इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी, अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।